आदाब नाजरीन, SYS चैनल में आपका इस्तकबाल है। कंचनबाग पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक दर्दनाक खुदकशी का वाकया पेश आया। मंसरियाल की रहने वाली एक आलिम लड़की ने हाफिज़ बाबा नगर में रहने वाले एक नौजवान से शादी की। शादी के बाद वो अपने ससुराली मकान में रह रही थी। ससुराल वालों की हिरासनी से तंग आकर उसने अपने ससुराली मकान में फांसी लेकर अपनी जान दे दी। लड़की के वालिदैन ने इसकी इत्तला मिलने पर हैदराबाद पहुंचकर कंचनबाग पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई। मीडिया से बात करते हुए कहा कि ससुराल वालों की जानिब से उस लड़की को दिया हुआ सोना रहन रख दिया गया, उसके बावजूद 1 लाख रुपए का डिमांड भी किया गया जो लड़की के वालिदैन ने उसके ससुराल वालों को दे दिया, और उसके बाद भी वो हिरासमेंट करना नहीं छोड़े जिसकी वजह से उनकी लड़की ने फांसी लेकर अपनी जान दे दी। आइए सुनते हैं आगे की तफसील लड़की के वालिदैन और रिश्तेदारों की ज़ुबानी। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया। अगली अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मेरा नाम मोहम्मद आशम है भाई, मंजराल डिस्ट्रिक्ट चंदौर गाँव। तो मेरे बच्चे को 2020 में छठवा महीना 23 तारीख को सुल्तान बोलते थे बच्चे का हाफिज़ बाबा नगर में शादी करके दिए। देने के बाद 1 साल के बाद परेशानियाँ शुरू कर, 1 साल होते बच्चा कहीं को नहीं हो रहा, बच्चा कहीं को नहीं हो रहा, यही परेशानी है 1 साल के बाद। तो 1 साल के बाद हमारे भाई को भेजा, मैं यहाँ बाहर रहता हूँ, मेरे भाई को भेज के ला ले, मैं ला ले बोलता हूँ, ला लिया, ला ले के नहीं भेजते बोलते, बच्चा आके समझा के फिर वापस ला लिया। ला लेने के बाद क्या होगा, ठीक रह रहे समझे, फिर वही गड़बड़ा, फिर बच्ची आई, फिर गई, उसके बाद परसों उन्होंने बहन की शादी है बोलते कुछ करो बोलते, 1 लाख रुपये भी दिया उन लोगों को भाई। हाँ, शादी हो गई, सुबह हो गई, जुमा की हो गई, सुबह होने के बाद क्या करे, सोना जितना सोना दिया पूरा रहन में रख लिए, हाँ सोना रहन में रख लिए, 1 लाख रुपये पूछे वो दे दिया। हाँ, उसके बाद वो पड़ा साथ बोलते रात में 1:30 बजे, रात के 1:30 बजे बच्ची मेरे को फ़ोन करके बोलती बाबा मेरे को जल्दी लेके जाओ, हाँ मैं यहाँ नहीं रहना चाह रही हूँ, मेरे तकलीफ है बोलते, ठीक है बेटा 4 बजे बसा चालू होते मैं आके लेके जाता हूँ बोला। हाँ, 3:30 बजे फोन करके बोल रहे तुम्हारी बच्ची फांसी डाल ली, यासीन उन्होंने भोने साहब यासीन फोन करके तुम्हारी बच्ची फांसी डाल ली, आओ तुम लोग जल्दी आओ। 3:30 बजे हम गांव में रहने वाले, यहाँ आज तक लाश भी नहीं रखे, लाश को ले ले जाके हॉस्पिटल में फेंक दिया, हॉस्पिटल में रख दिया, अब तक मैं बच्ची को भी नहीं देखा, कम्प्लेट देने गेट है मोया। हाँ परवीन नहीं भाई, हाँ बच्ची आलिम है भाई, बच्ची आलिम है, उर्दू मीडियम से इंटर सेकेंड ईयर करी हुई है उर्दू मीडियम से, बच्ची आलिम भी है। हाँ मेरा भाई आगे ले बाबा गर्ग बाबा जी आओ, तुम्हें बोली ये बात बोली खतर रख दी। उसके बाद में 1 आधा घंटे के बाद फोन घर को, बच्ची नहीं है मेरी बोलते हैं लोग, मेरी बच्ची को पहले से भी टॉर्चर है, बच्ची को सबर पकड़ बेटा, औलाद नहीं है बोल के कर रहे होंगे सब्जी में, एक औलाद है उनको, हमें कहीं को करना ऐसा जान दे किसका भी औलाद है, नहीं करना बेटा रहना सबर से रहना बोलती थी मेरी बच्ची को, सबर से रहती मेरी बच्ची, नीचे रहती थी, फिर नीचे फांसी डाल ली सुबह 2:30 बजे रात को, कैसा मालूम हुआ उन ला, वो नीचे रहते और ऊपर रहते, बच्ची के नीचे है सो बात, उन्हें तो नहीं आते ना, नींद में रहते होंगे ना 2:30 बजे, कैसे आए होंगे मेरी बच्ची को फांसी उन लोग डाले, मेरे को मालूम शादी करती बोलती थी, मेरे को फोन करके बोली तेरी बेटी की जान अच्छा नहीं आता ना, तेरी बेटी को का बीमार है ना रे, बीमार को घर को दी मेरे बच्चे को औलाद नहीं होता, घर को औलाद दी मई बोलते, अभी जान दे बेटा 4 दिन रहता बोल के दवा करने में बता रहे, लड़ाई झगड़े को कुछ भी नहीं मालूम हमारे को कुछ भी, हम बड़े बच्चे नहीं हो रहे बोल को टार चल, तो 2 साल ही बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे भाई, देखो ये बच्ची की शादी होके 25 महीने हो रहा, 1 साल के बाद बच्ची को ऐसा टार्चर करे, बच्ची को बहुत टार्चर करके छोड़ दिए, उसके लिए हम 1 साल के बाद फोन करके हम बच्ची भाई बोले थे मेरे को, बच्ची कहने जाके देख के बोल के, बच्ची कहने देखने के बाद जाए तो बच्ची का रोते हुए बच्चे ऐसी हो गई दुबली गाड़ी हो गई थी, बच्चे का आके बात करे तो बच्चे से सही बात करने दिए, उल्ला ऐसा चलाना शुरू करा घर के अंदर बैठा, हमारे को लड़ना झगड़ना लड़ना, अब क्या हो सके बोलते सो, अब बच्चे को रात में फ़ोन करे भाई को फ़ोन करे, बच्चे फ़ोन करके भाई ऐसा मेरे बाबा ले जाओ बोल के 1:30 बजे रात को फ़ोन करे, बोले ठीक है बोल के 1:30 बजे रात को बाबा जाओ सुबह आके ले जाते बोले,
उत्तम भाई हमारे कह रहे हैं साढ़े तीन महीने उनके बच्चे का इंतकाल हो गया, फांसी डाल ली कहते हैं, बोलते फांसी डाली बोलते फांसी बच्चे कैसे डाली थी, इतने बार वो टाचर कहते फांसी नहीं डाली, फिर एक ही बार फांसी कैसे डाली थी, बच्चे ठहरो बच्चे क्या आए तो चेन्नूर में थी, चेन्नूर में घर बच्चे तीन बार बुला लाए, परसों पर शादी है बोल के बुला लाए, खत्म करे बच्चे के यहाँ पे शादी है बोल के बुला लाए, नहीं तो नहीं आती बच्चे यहाँ को, बच्चे वहीं थी शादी है बोल के बुला ले गए, शोर घर में भी नहीं है कहते, शोर डेढ़ बजे रात को घर में था, तीन बजे तक शोर घर में नहीं है, शोर कहा जाता है डेढ़ बजे दो घंटे में गायब होगा, बच्चे दरगाह गया वो कौन दरगाह गया कहाँ गया बच्चा वो, तीन बजे रात तक जो दो घंटे में बच्चा गायब, हाँ कौन खत्म करे, इन लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, इन लोग क्या बोल रहे हैं हेरो जी, इन लोग क्या बोल रहे होते एक डेढ़ बजे रात दो बजे रात तक हम लोग हंसते मजाक कर लो सब जन बराबर ही थे, बोले सब बच्चा बच्ची सब घर वाले खानदान सब हंसते मजाक कर लो ड्याता कर लेते थे, दो बजे डेढ़ बजे रात को बच्चा वायर हो गया, तीन बजे बच्ची फंस डाली कहे डाले थे बच्चे तो दरवाजा खुला खुले रखा कौन दरवाजा डाले थे नहीं तो क्या गायब कर दिया, पुलिस वाले बुला के बच्चे ले आके हॉस्पिटल डाल दे, बच्चे देख रहे बच्चे कैसा फांसी डाली क्या है क्या देखने कर रहे कुछ नहीं कर रहे बताए नहीं कर रहे, पुलिस वाले भी इंफॉर्मेशन नहीं दिए, आज तक बच्चे को ले लग चले गए, पुलिस वाले को फोन कर दो भाई फॉर्मेलिटी से करे, हम लोग बोले फॉर्मेलिटी से किससे करते, बाबा अम्मा रहे ना रहे तो बाबा अम्मा पूछ के भाई करना नहीं करना पूछना कुछ भी पूछे नहीं कर रहे, ले आकर डेरा ले आकर डाल दिया खत्म हॉस्पिटल में, कंप्लेन में फोन बात करे मैं फोन में बात करे मैं, हम लोग आज तक क्या है बोलते सर नहीं है नहीं आप कंप्लेन दिया, अब कामलेट दिए अभी कामलेट पे क्या क्या एक्शन लेते क्या करते इन लोग देखना है, अल्लाह के बोलते अच्छा एक्शन लेते अच्छा है इन लोग नहीं लिए बोलते कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर तक भी जाते हम लोग अब ऊपर तक बात बात करते हैं।